नेक्स्ट क्वेश्चन uh, 2002 का सवाल है क्वेश्चन सेज लिफ्ट ऑफ मास 1000 थाउजेंड के जी विच इज़ मूविंग विद एक्सलेशन ऑफ वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अफर डायरेक्शन देन द टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग विच इज कनेक्टेड टू द लिफ्ट विल बी और ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं एक ऑप्शन है 9800 दूसरा है 10800 या फिर 11000 या फिर 10000 थाउजेंड ना इस केस में जो जिस चीज़ का हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि सारे ऑप्शन बहुत पास पास हैं Uh, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है तो इस केस में जी की वैल्यू 9.8 लेके या 10 लेके अलग अलग आंसर आ सकते हैं सो so, हमें थोड़ा सा केयरफुल होके अपने चार ऑप्शन देखने पड़ेंगे ना सिचुएशन बड़ी सिंपल है यहाँ पर आपके लेफ्ट है जिसका मास अपने को दिया हुआ है वन थाउजेंड और हमें ये टेंशन टी है बतानी है उस कंडीशन में जब एक्सलेशन इज इक्वल टू तो वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो so, डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं टेंशन टी विल बी इक्वल टू एम जी प्लस ए सो so, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू हो गई एम को हमने रखा टेन वन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई जी को हमने रखा नाइन पॉइंट एट प्लस वन सो इसकी वैल्यू आ गई टेन इसकी नाइन पॉइंट एट प्लस वन विल बी टेन पॉइंट एट थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे सो टेन थाउजेंड एट हंड्रेड न्यूटन दैट विल बी और फाइनल आंसर इसी केस में एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमने 9.8 की जगह मान लीजिए 10 ले लिया होता तो हमारा ऑप्शन आया था एलेवन थाउजेंड विच इज़ ऑप्शन सी पर क्योंकि हमें ऑप्शन बहुत पास पास दिए हुए इसलिए हमेशा हम ऑलवेज सजेस्ट करते हैं कि जी की वैल्यू नाइन लें सो so दैट आपका आंसर करेक्ट वैल्यू आए 10 इज़ एन अप्रॉक्सीमेशन हम कभी कभी यूज़ करते हैं जिसको राइट सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी वन जीरो एट डबल जीरो न्यूटन वुड बी द राइट आंसर